घर पे लक्ष्मी पूजा करने के बाद कुछ पटाखे लेकर मैं चल पड़ा अपने दोस्त के पास दिवाली मनाने दोस्तों के साथ। आइए चलिए आप मेरे साथ। अरे हाँ, एक अनार जला के निकले थे हम ताकि घर वालों को बुरा ना लगे कि दिवाली के दिन भी लड़का घर से बाहर जा रहा है, तो ये अनार हमने जलाया या जलवाया और इसके बाद हम निकल पड़े अपनी राह पर। तो मेरी जो गाड़ी है वो मेरे घर से कुछ ही दूर पर पार्क होती है। इसी बीच मुझे दिखाई दिए कुछ नोट जलते हुए और मैंने भी उसका मजा लिया। ये देखिए, दोस्तों क्या हाल है आप सभी के। मैं हूं अंकुश कुमार, आप सबका होस्ट, और मैं जा रहा हूं आज दिवाली मनाने घर वालों के साथ। दिवाली तो हो गई है, अभी दोस्तों के साथ जा रहा हूं। वहां पे दूसरी गाड़ी निकालेंगे, अभी इनोवा लेके जा रहे हैं। फिर ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में बताऊंगा आपको। एक गाड़ी और है भाई, अपनी फैमिली में आई है, मतलब फ्रेंड फैमिली में आई है। फ्रेंड की भी एक फैमिली होती है, फ्रेंड फैमिली में आई है। तो सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। मजा आ रहा है भाई, सड़कों पे हजारों हजारों के, लाखों लाखों के पटाखे फट रहे हैं। नासिक में क्या पब्लिक पैसा छिपा के रखे लाई क्या। मैं जा रहा हूँ अभी शिंदे के पास, वहां से एक ऑटोमेटिक छोटी गाड़ी निकालेंगे क्योंकि दिवाली के टाइम पे बड़ी गाड़ी लेंगे घूमने का मतलब मजा नहीं है। हर जगह पटाखे फट रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी में ना दिक्कत होती है। छोटी गाड़ी लेंगे, ऑटोमेटिक आपको बताऊंगा उसके बारे में, कुछ चलाऊंगा। 8:30 हो रहे हैं अभी, लक्ष्मी पूजा के होने के बाद घर वालों के साथ एक दो अनार चलाने के बाद बस, ज्यादा पॉल्यूशन नहीं भाई। और उसके बाद अपन चले अपनी दिवाली मनाने के लिए। ओ भाई चलो, शिंदे को मैंने फोन कर दिया कि मैं आ रहा हूँ भाई, जल्दी से रेडी हो जा और हम लोग चलते हैं अपनी दिवाली मनाने के लिए। छोटे मोटे पटाखे मैंने ले लिए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। लोग जब इंतजार में खड़े रहते हैं ना और बम बम पटाखे किधर फटने नहीं रहते, ऐसा लगता है कि किधर कुछ तो धमाका होने वाला है। अच्छा वो बोल रहे हैं निकल जाओ आपके लिए रुके हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, वो मेरे लिए खड़े थे कि तुम निकलो तो हम यहाँ पे धमाका करें। नासिक में इतने पटाखे फट रहे हैं कि गाड़ी की छत पर भी मतलब चिंगारियां गिर रही हैं और कुछ ना कुछ गिर रहा है छत के ऊपर, आवाज आ रही है मेरे को सड़क पे से जब क्रॉस हो रहा हूँ। लाइट आपको दिख रही होगी कि कितनी लाइट ब्लिंक हो रही है रात के टाइम में, कि व्लॉग बनाने में भी दिक्कत नहीं हो रही है लाइटनिंग की, क्योंकि भैया आज है दिवाली की रात। और एक बार और फिर हमें रुकना पड़ा क्योंकि ये भैया की आग जो है जली नहीं रही है। अबे क्या है ये, बॉम्बे की मजा के चारों तरफ लोगों ने भाई सीन कर रखे हैं आज, बार बार गाड़ी रोकनी पड़ रही है। और ये यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ तो लोग ये बैलून के अंदर क्या बल्ला, अरे ये क्या है भाई, आग लगा रखी है, वो ऊपर जाता है पर जा ही नहीं रहा है, कोशिश कर रहे कि ऊपर क्यों नहीं जा रहा है वो। अभी वो क्या चीज थी वो तो आप लोग देखकर समझ गए होंगे भाई, कमेंट सेक्शन में बता देना क्या था। पर वो उड़ते हुए दिखता है जिसके अंदर एक छोटी सी आग लगी रहती है और वो बैलून की तरह ऐसे निकलता है ऊपर। अभी क्या क्या सिस्टम आ गया, वैसे ही पटाखे खरीदने में गया, 500 रुपए का एक बम, 2000 रुपए के 2 बम मिले मेरे को बस। अभी बताओ 1000 रुपए के 2 बम फोड़े या अपनी पार्टी में कुछ और चीज शामिल करें। गाड़ी रिवर्स की तरफ लेते समय मेरी गाड़ी टच हो गई थी, यहाँ पे सीढ़ियों पे टच हो गई थी भाई, और थोड़ी सी जोर से हुई थी। तो मैंने क्यों ना सोचा कि इसका मैं टेस्ट ही ले लूँ यार, ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी यार इनोवा में, और ये बहुत मजबूत लगा मेरे को कि यार आपकी गाड़ी की सेफ्टी हो रही है पीछे से, आज ये मतलब वसूल हो गई चीज़। और ये शिंदे की नई गाड़ी देखिए भाई, एकदम न्यू ब्रांड 5 लाख रुपये के अंदर। हैप्पी दिवाली, दिवाली की शुभकामनाएं आपको, हेल्दी एंड सेफ्टी।
लेके आया, हम तो बहुत सारे बम लेके आए भैया। बचपन की सारी याद ताजा कर देंगे आज, बता रहे हैं गंगा जल की कसम। मेरा नाम अंकुश कुमार उर्फ मावी गुज्जर, कक्षा 9C, बैक बेंचर, और मेरे साथ मेरा साथी, मेरा भोगी, ये अपना महेश शिंदे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अगर किसी को भी ये शब्द याद हैं तो उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम दोनों मिलकर दिवाली मनाएंगे और अपने स्कूल के दिनों को याद करेंगे। एक और बात, महेश ने एक ऑटोमेटिक गाड़ी ली है, इसका नाम है मारुति एस्प्रेसो, और ये मेरे को बहुत अच्छी गाड़ी लगी भाई। 5 लाख रुपए के अंदर ऑटोमेटिक गाड़ी है, चलती बहुत जबरदस्त है। पिताजी को गिफ्ट दिया हमने, अपने फादर को इसने गिफ्ट की है। और भाई इसकी हैंडलिंग इतनी अच्छी है ना, एकदम देखो ऑटोमेटिक गाड़ी चला रही है। मैंने बहुत टाइम बाद ऑटोमेटिक यूज की थी, सिविक की टेस्ट ड्राइव ली थी, उसके बाद ये चलाई, मेरे को इतना मजा आया। मैं बोला यार कहाँ इनोवा को भगा रहा हूँ मैं, उसमें आधा ये शरीर आदमी थकता ही है, इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी छोटी गाड़ी सिटी के अंदर। सुन ना, कोई टेंशन ही नहीं ना भाई, वो काम हो गया, उधर जाने की जरूरत नहीं। अच्छा तो फिर यहाँ ले लो। स्टोरी अपना भी टेंशन बढ़ा देगा साला। तो ये आज हमारा मेन्यू है, और अभी हम लोग जा रहे हैं ओझर की तरफ, जहाँ पे हमको मिलेगी तंदूरी और हमको मिलेगा थोड़ा सा गार्डन का स्पेस, जहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे दिवाली। वैसे तो ज़्यादा पटाखे हम फोड़ते नहीं, दो ही फोड़ते हैं, वो भी अपने शौक के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियाँ बंद करके भी क्या फ़ायदा हुआ, जब ये सब चालू रखने गए। तो सुन ना, अभी ऑटोमेटिक गाड़ी चलाता हूँ ना, तो हमेशा मेरे दिमाग में एकदम से मतलब हाथ मेरा गियर पे जाता है और पैर उठाने की कोशिश करता हूँ। ऑटोमेटिक में भाई उल्टा पैर तो उठाऊ, उल्टे पैर का तो काम ही नहीं है, उठाना ही नहीं है, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। बस वैलेंटाइन, बाकी कुछ नहीं। ये भी नजदीक लगा दिया तुमने, ए जल गया जल गया। शिंदे थोड़ा छील देना, अपन स्कूल में क्या करते थे, बम के आग अभी डायरेक्ट लगा दे, पर स्कूल में यही तो फोड़ते थे अपन ऐसे करके। स्कूल में क्या करते थे अपन, आगे की तिल्ली रहती ना, उसको थोड़ा छील देने का बाथरूम में रखते थे, और आके एकदम क्लासरूम में आके सभ्य की तरह बैठ जाने की अपन, और फिर वो 5 मिनट बाद फटने की आवाज आने की। हैप्पी दिवाली पहले ही बोल दो, नहीं क्या टेंशन नहीं, मतलब पीछे से लुक भी कितना अच्छा दिया गाड़ी का, एस्प्रेसो का देखो, ब्लैक कलर में। देखो रिव्यू बनाने का है तो दिन में आना। हाँ दिन में बनाएंगे ना यार, ऑनर से भी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि खरीदने के बाद क्या लगा और कैसा लगा। पेट्रोल गाड़ी है, माइलेज 20 के ऊपर दे रही है, ऑटोमेटिक है भाई, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ऑल्टो से बड़ी है, काफ़ी बड़ी है भाई, SUV का लुक है, और हाई पोजिशन पर बंदा बैठता है ऊपर, मतलब हाइट बहुत ज़्यादा है, और ऑटोमेटिक है, और 5 लाख के अंदर है। और क्या चाहिए भाई, ये बैठ जा, आजा कंटिन्यू करते हैं। कुछ लेके आने का खाने के लिए, ये वो पहला खत्म करते हो गया तेरा? हां नहीं बैठो, हाइट भी बहुत है, मतलब अच्छी हाइट है। और जो नई गाड़ी की एक स्मेल होती है ना भाई, वो स्मेल आ रही है इसमें एकदम, 1 साल हो गए, एक साल हो गया, उसके बाद वो खुशबू होती है नई। अच्छा जल्दी आ, नहीं चलेगा उससे वो लगे। अरे तू 10 रुपए की लाया, कैसे चलेगा मेरे से पैसे लेके जाने के ना। बाजू वाला का लगेज उसके ऊपर रख, उसको ऐसा कर, देखना उसको रख रख, अरे वो चालू है ना, उसके ऊपर रखना। अरे वो एक बार फूट गया था मेरे हाथ में, पूरा हाथ जल गया था मेरा। तीतर तीतर आगे, तीतर तीतर तीतर। दिवाली की शुरुआत अनार से। ए! अरे बाप फूट गया ना वो, आंखों पे आंधी।
ये तो डबल अंधेरा हो गया। साला किसको बोलता है रे तू? साला किसको बोलता है? बाबू भैया मेरे को बोला, मेरे को बोला, वो मेरे को बोला, तेरे को बोला, मेरे को बोला, ये लो पेन। बोलेगा नहीं साला, चलो 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 चलो, बोल जा, नहीं बोलने का। क्या बाबू भैया आपको दिखाई नहीं देता? अरे कैसे दिखेगा हल्का, ऐसा रुपये मटका चढ़ा हुआ है, आंखों पे चश्मा नहीं है, कैसे दिखेगा? क्या चश्मा ला मेरा? हाँ हाँ चिल्ला क्यों रहे? क्या है? अच्छा चांद नवाब, ऊपर भी दिखा ना। फुटल रे मैं आज ना जाऊंगा पीछे भाई। फोन इम्पोर्टेंट है क्या इधर? मैं आज ना जाने वाला तारा भाई जोगिंदर। तारा भाई जोगिंदर तो जान कर सकते।